पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह उसे सबके सामने गाली देता था। इसी का बदला लेने के लिए सफेद कबूतर दिलाने के बहाने उसे घर के बाहर से किडनैप किया और अपनी बहन के घर में जाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी पर किसी को शक न हो इसलिए हत्या के 2 घंटे बाद ही में परिजनों से मेल मिलाप करने लगा। मामला मोती डोंगरी थाना इलाके में MD रोड में 24 मई का है, जहां से आरोपी आरिज अपने छोटे भाई 12 साल के नवेद को खो नागोरिया इलाके के आयशा कॉलोनी में ले जाकर हत्या कर दी। आरोपी भी मृतक के घर के पास MD रोड पर ही रहता था। 9 दिन पुराना होने की वजह से शव का अधिकांश हिस्सा गल गया। लालकोटी थाना पुलिस SMS मॉर्चरी में परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आरिज कई समय से नवेद की हत्या की प्लानिंग बना रहा था। 24 तारीख को नवेद अपने दोस्तों के साथ MD रोड पर क्रिकेट खेलने गया था। दोपहर करीब 3 बजे आरिज भी वहां पहुंचा और नवेद को सफ़ेद कबूतर दिलाने का कहकर अपने साथ ले गया। आरोपी उसे पैदल पैदल घाट गेट तक लाया, फिर वहां से ई रिक्शा में बैठा कर आयशा कॉलोनी स्थित अपनी बहन के बंद मकान में लेकर गया। आरोपी ने यहां रस्सी से गला दबाकर नवेद को मार डाला। इसके बाद शव को बोरे में डालकर वापस लालकोटी आ गया। नवेद के गायब होने की सूचना पर परिजनों ने लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। इस दौरान आरोपी विरोध प्रदर्शन व खोजबीन में परिवार के साथ रहा। CCTV फुटेज मिलने पर और गहराया शक। पुलिस और आरिज की हरकतें देखकर उस पर पहले से ही शक हो गया था, लेकिन कोई सबूत नहीं होने के कारण पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी। 30 तारीख को पुलिस को MD रोड के CCTV फुटेज मिले। फुटेज में 24 मई को आरिज नवेद को लेकर MD रोड से होता हुआ घाट गेट की ओर जा रहा था। इसी पर पुलिस ने आरिज से पूछताछ करना शुरू किया। आरिज ने पुलिस को पहले अपने लोकेशन की जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस ने जब उसके मोबाइल की लोकेशन और CCTV फुटेज खंगाले तो आरोपी टूट गया। इसके बाद बुधवार 31 मई की रात पुलिस 12:30 बजे आरोपी को लेकर लालकोटी थाना पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तो बंद मकान में नवेद का शव पड़ा मिला। हत्या के कारण पूछने पर बोला, कई बार समझाया लेकिन माना नहीं। लालकोटी थाना पुलिस ने आरोपी आरिज को बुधवार से डिटेन किया हुआ है। आरिज ने पुलिस को बताया कि नवेद घर के बड़े लोगों और समाज में गाली दिया करता था। उसने कई बार उसे समझाया लेकिन वह माना नहीं। जब सहन नहीं कर पाया तो उसे मारने का प्लान बनाया।